नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजार के सितारे में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और बाजार के सितारे में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कमोडिटी बाजार, शेयर बाजार और आज का राशिफल। जानेंगे कि आज शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार कैसा देखने को मिल रहा है राशियों के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, ज्योतिष के आधार पर, और आज आपका राशिफल कैसा रह सकता है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानेंगे आज का राशिफल, और आज का राशिफल जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जाने माने एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मांगेराम सीवी पर। शुभ प्रभात अखिलेश राठी जी एवं मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल एवं मार्केट टाइम्स टीवी के संयुक्त प्रयासों से फंडामेंटल एनालिसिस एवं एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर यह शो प्रसारित किया जाता है। दोस्तों, आज 17 जनवरी सन 2022 सोमवार, आज की यदि हम प्लेनेटिकल कंडीशन देखें तो गुरु कुंभ राशि में है, शनि सूर्य और बुध मकर राशि में, शुक्र और मंगल जो है धनु राशि में, और केतु वृश्चिक राशि के अंदर, चंद्रमा मिथुन राशि में है, राहु वृषभ राशि में है। यह सब ग्रह सहयोग 12 राशियों को मिश्रित रुख की तरफ इशारा देता है। अग्नि तत्व की तीन राशियां जो 1, 5, 9 है, यानी मेष, सिंह और धनुराजी राशि, आपके लिए दिन आज मिश्रित रह सकता है। 2 से 3 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। 2, 6, 10 यानी पृथ्वी तत्व की राशियां हैं वृषभ, कन्या और मकर राशि, आपके लिए दिन अच्छा रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं, लेकिन 3 से 4 बजे के बीच में रखिए अतिरिक्त सावधानी। 3, 7, 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि मिश्रित रुख की तरफ इशारा कर रहे हैं, और 11 से 12 बजे के बीच में रखने हैं आपको अतिरिक्त सावधानी। 4, 8, 12 यह है जल तत्व की राशियां यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशियां, यहां इन राशियों को रखनी है अतिरिक्त सावधानी, मुनाफे के बजाय नुकसान होने की संभावनाएं अधिक हैं, लिए गए निर्णय एक बार पुनः जांच कर लें, खासकर MCX पे जो काम करते हैं 8 से 9 बजे के बीच में रखिए अतिरिक्त सावधानी। ये था राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। जी अखिलेश जी, जी तो ये तो हमने कर्नल जी से यहां से जाना था कि आज आपका राशिफल कैसा रह सकता है। यहां से अब आगे बढ़ेंगे, चलेंगे कम्युनिटी बाजार की तरफ, जानेंगे अब कर्नल अजय जी से कि कम्युनिटी बाजार कैसा देखने को मिल सकता है। कर्नल अजय जी, यहां से बात करें अगर कम्युनिटी बाजार की, तो कम्युनिटी बाजार में आज सबसे पहले कृषि फसलों की बात की जाए तो आज आपको कपास में कैसा लगता है, क्योंकि कपास में हम देख रहे हैं कि उत्पादन भी घटा है और इस पर कीटों का प्रकोप भी देखने को मिला है, मांग भी ठीक ठाक है, कीमतें भी ठीक ठाक थी, लेकिन हाल ही में हमने देखा है कि इस पर एडिशनल मार्जिन लगाया गया है 3%, और दूसरा ज्यादा प्रीमियम रहने की वजह से इसके निर्यात में हमने गिरावट दर्ज की है। ऐसे में आपको क्या लगता है कपास में अभी इस समय क्या करके चलना सही रहेगा और कैसा रुझान रहेगा? देखिए, कपास के लिए संभवतः मार्केट टाइम्स टीवी और हम लगातार तेजी की बात करते आए हैं, और ये तेजी हमने कपास का जो सीजन शुरू हुआ था सितंबर अक्टूबर, वहीं से आपको आपसे बात की थी। यदि हम, क्योंकि आज सोमवार है, यदि हम पिछले सप्ताह देखें तो देश भर के प्रमुख उत्पादक राज्यों से लगभग 89,000 यानी 89,000 बेल्ड कॉटन की आवक रही है, और यदि हम लोग थोड़ा सा सिलसिलेवार चलें तो कुल आवक में पंजाब, हरियाणा, ऊपरी और लोअर राजस्थान से लगभग 20,000 बेल्ट की आवक हुई है, और गुजरात से 28,000 बेल्ट की आवक हुई है, उड़ीसा से कोई सूचना नहीं है, और महाराष्ट्र से भी लगभग 26,000 गांठों की आवक रही है, मध्य प्रदेश से 5,000 का कंट्रीब्यूशन है, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मात्र 7,000 बेल्ट का आवक है, और कर्नाटक की मंडियों में मात्र 3,000 गांठों की आवक है। ये मैं आपको दे रहा हूँ 15 जनवरी की जो के समाचार है। तो टोटल 89,000 यानी 89,000 जो बेल्ट की जो आवक है, ये कंपैरेटिवली बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। और ये भी गौरतलब है कि विभिन्न संगठन और जो कॉटन की इंपोर्ट ड्यूटी के अंदर कटौती की बात कर रहे हैं, और शायद ये हो भी जाए, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि कॉटन के अंदर किसान इतना आसानी से अब और माल बाजारों में लेके आएगा। और जो ए ग्रेड की जो कॉटन है उसके अंदर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो, तो उसकी तो शॉर्टेज बनी रहेगी आने वाले 3 से 4-5 महीने तक, ये तो आप मान के चलिए। और जहां तक
सी ग्रेड का हल्का माल है वो बाजारों के अंदर जैसे जैसे किसानों को जरूरत पड़ेगी अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए वो माल लेके आ सकता है। और मैं आपके माध्यम से जनता को ये भी कहना चाहता हूँ, किसानों को और कारोबारियों को, जो भी आंकड़े फसल के जो घोषित होते हैं उन फसलों के आंकड़ों को का पुनः विचार और उनकी सत्यता और उनकी प्रामाणिकता के ऊपर भी काफी जोर होता है, क्योंकि उन आंकड़ों के आधार पर ही व्यापारी बहुत बड़ा निर्णय ले लेते हैं, जीनर्स बहुत बड़ा निर्णय ले लेते हैं, मिलर्स बहुत बड़ा निर्णय ले लेते हैं और उनको नुकसान भी काफी होता है। गौरतलब है कि जिन्होंने माल नहीं खरीदा नीचे की दृष्टि से, जब माल ऑलरेडी 30-40% बढ़ जाता है उस वक्त माल खरीदते हैं, उसके बाद यदि गिरावट आती है तो वो दोनों तरफ से परेशान हो जाते हैं। और ये भी गौरतलब है कि ऐसे मार्केट जो विशेषज्ञ भी जो पहले गिरावट की बात करते हैं, जब तेज हो जाता है उसके बाद तेजी की बात करके वो सुपर तेजी की बात करने लग जाते हैं, और उसके बाद में जब वो एक सीमा के बाद में गिरते हैं बाजार तो फिर वो गिरावट की बात कर जाते हैं और पहले की बात अपनी गौण हो जाती है उनकी। तो ये भी एक बड़ा विषय होता है कि कोई भी मार्केट विशेषज्ञ को आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और देख रहे हैं। अब मुझे क्या लग जो मेरी गणनाएं कह रही हैं एस्ट्रो फाइनेंस की और फंडामेंटल्स की, क्योंकि अब अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर कॉटन ने अच्छी मूवमेंट दी है और ये 119 सेंट से ऊपर इसकी मूवमेंट है, तो कुल मिला के बाजारों में फंडामेंटल कपास के बहुत मजबूत हैं। लेकिन जो छोटी अवधि के अंदर यदि कोई माल खरीदना चाहता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, जो छोटी अवधि के लिए माल खरीदना चाहता है उसको थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए, क्योंकि एक 119 के लेवल के ऊपर और भारतीय बाजारों के अंदर भी तेजी के अंदर यहां से माल खरीदना आने वाले 10 से 15 दिन के लिए, तो मुझे नहीं लगता इसके अंदर कुछ तथ्य है, उसको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और जहां तक लंबी अवधि का सवाल है, कॉटन के फंडामेंटल मजबूत थे, हैं और रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब तक फ्रेश फसल नहीं आएगी रबी की, जब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। सितंबर अक्टूबर के अंदर फिर हम लोग, अभी तो उसमें पूरा टाइम बाकी है, और जब तक किसानों को पूरा लाभ मिल सकता है उसमें सावधानी पूर्वक वो रखें माल तो बेहतर रहेगा, खासकर ए और बी ग्रेड का तो माल रोकने में ही भलाई है। जी अखिलेश जी। जी कनल अजय जी, यही से कनल अजय जी बात करें अगर अब ग्वार की, तो ग्वार में भी हम देख रहे हैं कि पिछले एक सप्ताह से लगातार तेजी देखने को मिल रही है। ग्वार गम और ग्वार सीड वायदा बाजार में तेजी की ओर सस्टेन होकर ट्रेड कर रहे हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है ग्वार गम और ग्वार सीड में कैसे रुझान रहने वाला है? क्या अभी यहाँ पे आगे और तेजी बढ़ेगी या फिर यहाँ से मुनाफा वसूली बनेगी? देखिए, जहां तक ग्वार कॉम्प्लेक्स का उसका सवाल है कि जो ये ग्वारक्स भी जो इंसिडेंस लागू करने की सोच रहे हैं, जिसे इंडेक्स लिक्विडिटी एनहांसमेंट स्कीम के जरिए LSE के जरिए, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा जनता को बताना चाहता हूँ कारोबारियों की। यो LSE एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक्सचेंज ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में काम करने वाले क्लाइंट को हमेशा लिक्विडिटी यानी बाइंग और सेलिंग की हमेशा उपलब्धता मिले, जिससे उसे ट्रेड करते समय आसानी से एंट्री और साथ में एग्जिट का मिल सके। इसके लिए एक्सचेंज सेबी नियमों के अनुसार मार्केट मेकर नियुक्त करता है, और मार्केट मेकर का काम यह होता है कि हमेशा बाइंग और सेलिंग की एक बुक को एक निश्चित डिफरेंस पर मेंटेन करके रखें, ताकि बाजारों के अन्य क्लाइंट से उस रेट में ट्रेड कर सकें। और LSE से आने वाली ये उम्मीदें भी लग रही हैं CDX में गौरक्स के जो गौरक्स के सौदे में व्यापार को प्रोत्साहन ही मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर काफी डिटेल में चर्चा जरूरत पड़ने की भी हम करेंगे। लेकिन इससे जो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है, क्योंकि ग्वार के अंदर बाइंग आते ही तुरंत सर्किट ऊपर के लगते हैं और जब इसी सेलिंग आते ही नीचे के सर्किट लगने लग जाते हैं, इससे जो निवेशक है या ये कारोबारी है वो काफी भ्रमित हो जाता है। उसको समझ नहीं आता कि फंडामेंटल मजबूत होने के बाद लोअर सर्किट कैसे लग रहे हैं, माल बिकवाली कोई खरीदार नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे होता है? और जब तेजी के सर्किट लगते हैं तो कोई बकवाल बिकवाल नहीं होता और वो लगातार तेज चलते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो तेजी मंदी की जो धारणाएं बनती है वो उसके अंदर एक कंफ्यूजन और एक दोहराया खड़ा हो जाता है। तो मुझे लगता है, मेरा ये मानना है कि
जहां तक गवार सीट की लंबी अवधि के जो खिलाड़ी हैं या जो कारोबारी हैं, जैसे मैं पहले भी आपको आपको लगातार अपडेट करता रहा हूं कि गवार सीट ने 2012-13 के बाद भाव ही नहीं देखे थे, और इससे किसानों का मनोबल बिल्कुल टूटा हुआ था, कारोबारियों का मनोबल बिल्कुल टूटा हुआ था, और वो लगभग इससे मुंह मोड़ने लग गए थे। और लेकिन कुछ कारोबारी ऐसे थे जो पक्के दिल के थे, उन्हें या किसान थे, वो उनको अपना माल बेचना ही नहीं था जब तक उनके भाव न आए, तो उन्होंने 5-5, 7-7 साल से माल रखा हुआ था, लेकिन उनकी संख्या में बहुत कम है, उनकी परसेंटेज बहुत कम है। तो कुल मिला के किसानों का मोह भंग होना, कारोबारियों का हिम्मत टूट जाना, और रही सही कसर मौसम और बरसात ने भी इस साल की। तो कुल मिला के जो गवार के जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत मजबूत इसलिए हैं क्योंकि जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कहीं वो पूरी आपूर्ति होना ही मुश्किल हो रहा है। दूसरी चीज, अच्छी और गुड क्वालिटी का गवार उपलब्ध नहीं है, दागी या काला जो है वो ज्यादातर उपलब्ध है। देश की विभिन्न मंडियों के अंदर धीरे धीरे जो अराइवल्स आनी थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। यदि आप लगातार मंडियों के अराइवल्स के ऊपर भी नजर रखें तो इसके आंकड़े थोड़े से लंबे हो जाएंगे, लेकिन कुल मिला के धीरे धीरे इसमें कमी आती जा रही है। तो अब सवाल ये है, करें क्या? अब तीन सवाल इसके अंदर बनते हैं कि गवार सीड क्या जिनके पास है क्या वो रोकें या बेचें, दूसरा जो गवार सीड फ्रेश सौदे करने चाहते हैं क्या वो खरीदें, या फिर जो जिनके पास माल ऑलरेडी है उसको बेच दें, या फिर अभी बिकवाली करके चलें। ये 3-4 प्रश्न अक्सर पूछे जा रहे हैं, चाहे वो कारोबारी हो, चाहे निवेशक हो, या एक्सचेंज के ऊपर हो। तो उसका मेरा एक ये सिस्टम है, ये मैं कह सकता हूं कि जो कारोबारी फ्रेश माल खरीदना चाहते हैं, जो किसान फ्रेश माल खरीदना चाहते हैं एनसीडीएक्स के ऊपर, उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, कि जिसके पास गवार सीड फिजिकल में उपलब्ध है या नीचे भाव का एनसीडीएक्स में लेके उन्होंने या फिजिकल में जिसके पास गवार सीड और गवार गम उपलब्ध है उनको रोकना चाहिए। तीसरा जो सवाल ये है कि और जो चौथा सवाल का जो उत्तर है, क्या अभी बेच देना चाहिए या खरीदना चाहिए? खरीदने के लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए, बेचने के लिए जिसके पास फिजिकल है उसको रोकना चाहिए। लेकिन ये वही कारोबारी ये निर्णय लें जिनके पास फिजिकल में माल है और वो 1.5-2 महीने रोकने की स्थिति में रह सकते हैं। तो ये मेरा बिल्कुल स्पष्ट है कि मैं किसी भी कीमत के ऊपर तेजी के अंदर खरीदने की सलाह नहीं दूंगा। मैं हमेशा यही कहूंगा कि जब मंदी आए तब आप खरीदिए तो आपके आपको रिस्क कम हो जाता है। तेजी में तेजी और मंदी में मंदी, ये व्यापार का ना तरीका था, ना है और ना रहेगा। आप उन टेक्निकल लेबल्स को भी देखें कि जब तेजी आ रही है तो और तेजी कर रहे हैं और मंदी आ रही है तो और मंदी कर रहे हैं, दोनों जगह फंस रहे हैं। तो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कभी भी इस मत को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि तेजी के अंदर आप काम करें। बिल्कुल आप लंबी अवधि का व्यू रखें, फंडामेंटल एनालिसिस रखें, और जब माल नीचे के ऊपर उपलब्ध है उस टाइम आप खरीदें तो आप जीत जाएंगे, अन्यथा नहीं। एक और महत्वपूर्ण बात मैं हमेशा कहता हूं, पुनः कहता हूं कि क्षमताएं पहचानो, अपनी कैपेसिटी को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो। जितनी ताकत है उससे कम काम करो। 10 लाख की ताकत है तो 8 लाख का ही काम करो। 10 लाख की ताकत होने के अंदर 2 करोड़ का जो काम कर रहा है वो जीत तो जाता है, लेकिन ये उसी प्रकार होगा कि हर बॉल पे छक्का मारने गए तो ऐसे खिलाड़ी लंबे समय तक टीम में नहीं रहते और ऐसे व्यापारी लंबे समय तक व्यापार में नहीं रहते। यही मेरा कहना है जी। अखिलेश जी, जी ये से कर्नल अजय जी बात करें अगर हम यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज की, तो नॉन एग्री कम्युनिटीज में हम देख रहे हैं कि बेस मेटल्स में काफी शानदार बढ़तबंदी नजर आ रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से बेस मेटल्स का बाजार तेजी में अभी और तेजी दिखा देगा या फिर यहाँ से कुछ मंदी बन सकती है? इसके लिए सिर्फ मैं एक वर्ड का इस्तेमाल करना चाहूंगा कि खरीदारी से बचें। जी, तो यानी कि बेस मेटल्स में कमजोरी की संभावना पूरी की पूरी बनती नजर आ सकती है आज नॉन एग्री कमोडिटीज के बाजार में। कर्नल अजय जी ने खरीदारी से बचने की सलाह दी है बेस मेटल्स के अंदर। यही से कर्नल अजय जी बात करें अगर अब स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट में आपको क्या लगता है? स्टॉक मार्केट में देखिए, निफ्टी ने 18,300 का स्तर पार कर दिया है और जो जो स्टॉक्स हमने आपको रिकमेंड किए थे सभी ने जबरदस्त मुनाफा भी कमा के दिया है।
अभी समय जैसे जो बजट का है उसके आधार पर ही आप काम करें तो बेहतर होगा, और लेकिन थोड़ा सा रुक के काम करें, एक दो दिन थोड़ा सा बाजारों को देख लें, क्योंकि 18,300 के ऊपर जो जब निफ्टी निकलती है तो ये थोड़ी सी परेशानी का सबब बन जाती है। तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए और उसके बाद में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और चलते चलते मैं एक और कहना चाहता हूँ कि जो डिस्क्लेमर्स हैं वो भी आप ध्यान से सुन लें, ये लाजमी है और हर शो के अंदर होना चाहिए, ये नियम है कि कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले स्वयं का विवेक, अध्ययन एवं अपने सलाहकार से भी अवश्य आप ट्राय कर लें। हम ये शो आपको आप तक फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और फंडामेंटल एनालिसिस के संयुक्त प्रयासों से आप तक लर्निंग और नॉलेज शेयरिंग के लिए आपसे प्रस्तुत करते हैं। आप व्यापारिक निर्णय लेने में अपनी क्षमताओं का विशेष ख्याल रखें, व्यापारिक विवेक, अध्ययन और सलाहकार से भी राय कर सकते हैं। जी अखिलेश जी, जी बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो आज कुछ ऐसा रह सकता है आज का शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार और आज आपका राशिफल। फिलहाल बाजार के सितारे में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ये बना हुआ है मार्केट एमसीबी पर।